Good morning, students. Students, we have done the second exercise of the chapter number one review in the previous assignment. So, students, in today' heavy assignment, we will discuss the third exercise of unit number one review. Let's start from the assignment number third. In this, the first question is fill in. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है ब्लैंक्स में क्या फ़िल करना है आपको रिलेशंस बताना है जैसे मिलीमीटर का सेंटीमीटर में सेंटीमीटर मीटर का किलोग्राम का ग्राम में ओके सो फर्स्ट इज टेन मिलीमीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर सो स्टूडेंट्स हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन टेन मिलीमीटर वन सेंटीमीटर इट मीन्स टेन मिलीमीटर इज इक्वल्स टू वन सेंटीमीटर नेक्स्ट इज 100 centimeter is equals to dash meter how many meters in 100 centimeter students 1 meter 100 centimeter is equals to 1 meter 10 kilometer is equals to dash multiplied by 1000 meter so students you already know that 1 kilometer is equals to 1000 meter take 1 kilometer 1000 meter यहाँ पे उन्होंने पूछा टेन किलोमीटर सो टेन किलोमीटर इज इक्वल टू टेन मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड मीटर इट बिकम्स टेन थाउजेंड मीटर ओके द नेक्स्ट इज टू किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम्स हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन टू किलोग्राम्स सो स्टूडेंट्स एज यू नो वन किलोग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम सो टू किलोग्राम इज इक्वल टू टू इन टू थाउजेंड ग्राम मीन्स टू थाउजेंड ओके स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड चेंज स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है जैसे फर्स्ट है सिक्स आवर्स ट्वेंटी मिनट्स टू मिनट्स आपको क्या करना है सिक्स आर ट्वेंटी मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आपको इनको चेंज करना है सेकंड में थ्री डेज एट आवर्स टू आवर्स थ्री डेज एट आवर्स को आपने आवर्स में चेंज करना है ठीक है सो हाउ टू चेंज दम

सो वन आर इज इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट्स देन हमारे पास कितने गिवन है सिक्स आवर्स वन आर इज इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट्स देन सिक्स आर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स स्टूडेंट्स सिक्स इंटू सिक्सटी मिनट्स इट बिकम्स थ्री हंड्रेड सिक्सटी मिनट्स ओके देन सिक्स आवर्स ट्वेंटी मिनट्स इज़ इक्वल्स टू सिक्स आवर्स में कितने मिनट्स आए हमारे पास थ्री हंड्रेड सिक्सटी मिनट्स प्लस मिनट्स गिवन है ना हमारे पास कुछ तो सिक्स आवर्स ट्वेंटी मिनट्स हैं सिक्स आवर्स में आपके पास थ्री हंड्रेड सिक्सटी मिनट्स प्लस ट्वेंटी मिनट्स इट बिकम्स थ्री हंड्रेड एट्टी मिनट्स ओके स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टेंड दैट हाउ टू कन्वर्ट और चेंज आर्स मिनट्स ओके स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन द क्वेश्चन ऑफ द थर्ड ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है जो रिलेशन गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स एट्टी वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एट मीटर वन सेंटीमीटर इज इट क्लियर स्टूडेंट्स वन मीटर इज इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो यहाँ पे एट्टी वन सेंटीमीटर्स हैं एट मीटर्स तो नहीं होंगे ना यहाँ पर इट मीन्स ये क्या होगा हमारा फॉल्स ओके एंड देन थ्री सेंटीमीटर एट मिलीमीटर इज इक्वल्स टू थर्टी एट मिलीमीटर स्टूडेंट्स इट इज ट्रू वाई ये ट्रू क्यों है हमारे पास बिकॉज टेन मिलीमीटर इज़ इक्ल्स टू वन सेंटीमीटर तो यहाँ पर हम आपके पास वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टेन मिलीमीटर होता है यहाँ पे हैं थ्री सेंटीमीटर इट बिकम्स थ्री इन टू टेन थर्टी मिलीमीटर ये आपके पास आ जाएंगे थर्टी मिलीमीटर mm. और इधर क्या है एट मिलीमीटर थर्टी प्लस एट इट बिकम्स थर्टी एट मिलीमीटर सो इट इज़ थ्री ओके एंड द नेक्स्ट इज नाइन किलोमीटर टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर सो स्टूडेंट्स

फोर्टी नाइन थाउजेंड फिफ्टी टू सो इट इज फॉल्स नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स इसमें आपको add करना है एडिशन समझा रहे थे तो एडिशन कैसे करनी है आपको add कैसे करना है जो भी यूनिट्स आपके पास गिवन है सपोज फर्स्ट में आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर हैं तो सेंटीमीटर की आपको सेंटीमीटर के नीचे ही रखना है कॉलम्स में अरेंज करोगे ना आप इनको तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखना है और मिलीमीटर को मिलीमीटर में ही रखना है और उन्हीं के वर्टिकली अरेंज जब करेंगे तो मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर ही, ही लिखना है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही लिखना है ओके स्टूडेंट्स लेट्स सी वन एग्ज़ैम्पल ऑफ दिस सपोज़ हमारे पास ये एग्जाम्पल है तो हम इसे पहले वर्टिकली अरेंज करेंगे कॉलम्स में कैसे करेंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री मीटर फोर्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट इज़ सिक्सटी एट मीटर ना तो मीटर को मीटर के नीचे ही अरेंज करना है सिक्सटी एट मीटर एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे भी ज़ीरो लगा देंगे प्लस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मीटर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मीटर यहाँ पे आपके पास ओनली मीटर ही गिवन है सेंटीमीटर में गिवन नहीं है तो आप सेंटीमीटर के नीचे ज़ीरो जीरो अरेंज कर सकते हो बट आपको मीटर के नीचे मीटर ही लिखने हैं आपको आपको मीटर जो है वो सेंटीमीटर के नीचे नहीं लिख सकते मीटर के नीचे मीटर सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर देन हम इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ऐड करने में भी आप सेम यूनिट्स को एज इट इज लिख दोगे एट प्लस फोर इट बिकम्स ट्वेल्व टू इज एट योर वन कैरी वन प्लस वन टू ट्वेंटी टू यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट्स मीटर यूनिट्स ओके एट प्लस थ्री इट बिकम्स इलेवन इलेवन प्लस नाइन इट बिकम्स ट्वेंटी 2 is carry 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 2 is at here 1 carry 1 plus 1 2 plus 3 5 it becomes 520 meter 22 centimeter now come on the question number 5 सेम स्टूडेंट्स इनमें भी आपको क्या करनी है एडिशंस करनी है वर्टिकली रेंज करोगे सेम यूनिट रखनी है वर्टिकली जैसे किलोग्राम के नीचे किलोग्राम्स रखनी है और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स होने चाहिए ठीक है जो नहीं गिवन है वहाँ पे आप जीरोस मेंशन कर सकते हो सो स्टूडेंट्स लेट सी वन मोर एग्ज़ैम्पल ऑफ दिस सपोज वी हैव दिस एग्ज़ैम्पल तो पहले हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स वर्टिकली अरेंज करेंगे ट्वेंटी किलोग्राम ट्वेंटी किलोग्राम नेक्स्ट है सेवेंटी फ़ाइव किलोग्राम सेवेंटी फाइव किलोग्राम टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम नेक्स्ट है थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम्स तो यहाँ पे किलोग्राम नहीं है किलोग्राम के नीचे नहीं लिखोगे ग्राम्स के नीचे लिखोगे थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम्स और जो आपके पास जैसे इसमें आपके पास ग्राम्स गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर जीरोस मेंशन कर दोगे इसमें किलोग्राम्स मेंशन नहीं है आप यहाँ पे भी जीरोस मेंशन कर दोगे ओके स्टूडेंट्स नाउ अब आपको इनको ऐड करना है ऐड करने के लिए आप क्या करोगे इनको सिंपली ऐड कर देना है यूनिट के नीचे यूनिटी रखोगे ग्राम जीरो प्लस जीरो ज़ीरो प्लस फाइव इट बिकम्स फाइव ज़ीरो प्लस फाइव फाइव प्लस सेवन इट बिकम्स ट्वेल्व टू इज एट है carry 2 plus 1 3 3 plus 3 6 now for kilograms 5 plus 5 10 plus 0 10 0 is at here 1 carry 2 plus 1 3 3 plus 7 10 plus 0 10 it becomes 100 kilogram 625 grams okay students नाउ कॉमन द क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स नंबर्स में सब्टशन तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट सेम वही वे रखना है आपको सेम यूनिट के नीचे सेम यूनिट होनी चाहिए जैसे सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर मिलीमीटर के नीचे मिली मीटर देन आपको सब्ट कर देना है लेट सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस सपोज स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जाम्पल है तो आपको पहले इसे वर्टिकली कॉलम्स में अरेंज कर देना है थर्टी टू के जी सिक्स हंड्रेड एट्टी ग्राम एंड द नेक्स्ट इज़ सेवेंटीन के जी वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्राम्स आपको इनको करना है सबट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम ग्राम्स को ग्राम में से ज़ीरो में से फाइव को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो नो no, बोरो लेंगे हम यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास सेवन यहाँ पे आ जाएगा टेन ट माइनस फाइव इट बिकॉम्स फाइव सेवन माइनस टू फाइव सिक्स माइनस वन फाइव देन किलोग्राम किलोग्राम में आप टू में से सेवन को सब्ट तो नहीं कर सकते हो ना तो क्या करेंगे बो रो लेंगे यहाँ पर रह जाएगा आपके पास टू एंड देयर इज ट्वेल्व ट्वेल्व में से सेवन को सब्ट किया फाइव और टू में से वन को सप्रैक्ट किया वन इट बिकम्स फिफ्टीन किलोग्राम फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव ग्राम ओके स्टूडेंट्स नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट करनी है मीन्स मल्टीप्लाइड करनी है टू तो नंबर्स को जैसे आपके पास ये यूनिट्स में गिवन होंगे सेंटीमीटर मिलीमीटर को तो आपके पास इसे सिक्स से मल्टीप्लाई सिंपली मल्टीप्लीकेशन करनी है जो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आप वैसे ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके सेम एज इट इज़ वैसे ही यूनिट्स दोगे ठीक है लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जाम्पल है तो आप इसे सिंपली पहले अरेंज कर लोगे वर्टिकली टू हंड्रेड थर्टी टू किलोग्राम 256 हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स मल्टीप्लाईड बाय फोर मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा देखते हैं हम सिक्स फोरजाजा ट्वेंटी फोर फाइव जा ट्वेंटी प्लस टू इट बिकम्स ट्वेंटी टू टू अगेन कैरी 4 to the 8. 8 plus 2 it becomes 10. 0 is at here. 1 again carry. 4 to the 8 plus 1 9. 4 3 is 12. 1 carry. 4 to the 8 plus 1 9. 3 units. 3 units are at here. Grams. किलोग्राम सेम ग्राम के नीचे ग्राम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम ओके स्टूडेंट्स इट बिकम्स नाइन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन किलोग्राम ट्वेंटी फोर ग्राम्स ओके नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर एट देयर आर सम डिवीजन सम्स आपको इन क्वेश्चंस में डिवाइड करना है सिंपली डिवाइड करना है यूनिट के बाद जब आपका यूनिट के पहले वाला नंबर्स खत्म हो जाएगा मीन्स के उसको आप डिवाइड कर दोगे तो आप यूनिट्स लगा दोगे आंसर में भी ठीक है सेम वैसे ही करना है जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन वगैरह किए हुए हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल ऑफ दिस सो स्टूडेंट्स लेट्स हमारे पास ये एग्जाम्पल है थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर सिक्स मिलीमीटर को डिवाइड करना है आपने सिक्स से तो थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर सिक्स मिलीमीटर आपको इसे डिवाइड करना है सिक्स के साथ तो थ्री तो नहीं आता सिक्स के टेबल में सिक्स के टेबल में थर्टी आता है ना स्टूडेंट्स सिक्स वन ज़ा सिक्स सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सिक्स थ्री जहाँ एटीन सिक्स फोर जहाँ ट्वेंटी फ़ोर सिक्स फाइव जहाँ थर्टी तो सिक्स फाइव जहाँ थर्टी देन आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे ज़ीरो जीरो अगेन आपके पास क्या आया जीरो ज़ीरो तो नहीं आ रहा है इसके टेबल में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ज़ीरो उसके बाद यूनिट सेंटीमीटर देन अगेन आपके पास फिर क्या आएगा सिक्स सिक्स आया सिक्स के टेबल में सिक्स तो आता ही है ना सिक्स वन सिक्स और कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप यूनिट लगा दोगे Millimeter, it becomes 50 centimeter 1 millimeter. Okay, students. Hope you clear all the concepts and please try the other question related to these questions of this exercise. And if there is any problem, then we already sent the written assignments to you. Then take help from the assignment number third if there is any problem. So, students, thank you. Have a nice day, stay home, stay safe.